नमस्कार सकाळ खबर को स्वागत बुलेटिन को आपको नवा किंतु प्रथम देखने कौन रही वर्तमान हेडलाइंस देशर 75 पीएसए ऑक्सीजन प्लांट को राष्ट्र उद्देश्य उत्सर्ग करेंगे प्रधानमंत्री पूर्वाह्न 11:00 उत्तराखंड ऋषिकेश आयोजित समावेश को संबोधित करेंगे मोदी कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे राज्यपाल समेत उत्तराखंड मुख्यमंत्री आउ एक लघुचाप दशहर वर्षा भिजिब ओडिशा 10 अक्टोबर में उत्तर आंदामान सगर में सृष्टि लघुचाप क्षेत्र प्रभाव में 15 आड़ उत्तर आंध्र दक्षिण ओडिशा रे प्रबल वर्षा संभावना आईएमडी डीजी मृत्युंजय महापात्र सूचना वज्रकाप्ता चोरा चलाण इंटरनेशनल रूट पश्चिमबंग आसाम मिजोराम चीन नहीं जाशा पांगोलीन मेडिसिन वज्रकाप्ता विदेश जाउथवा सूचना जिल बेले धरा हला 2 केजी रु अधिक वज्रकाप्ता काति मयूरभंज बांगरी पोस्टर आवास केलंकारी भंगा घरे पोस्टर लगाई सरपंच लुटिले आवास टंका किस्ती फेरैबाकु जीआरएस धमक प्रश्न दायी सरकारी अधिकारी विरोध में हेब त कार्यानुष्ठान केबे खोला जीव महाप्रभु रत्नभंडार रत्नभंडार रहस्य उपर केबे हटिबो परता राजनैतिक दल संगठन को परे आंदोलन को ओल्लाइबा को पुरीर कॉलेज पढ़ुआ छात्र छात्री चेतावनी रत्नभंडार स्थिति नहीं राज्य सरकार का स्पष्टीकरण दावी विकलांग अवस्था ई-डिस्पैच पोर्टल गुरुत्वपूर्ण चिट्ठी अपलोड करूना अर्धाधिक विभाग कौन लुचाइवा चाहूंट राज्य सरकार विरोधी आणिले संगीन अभियोग चिट्ठी अपलोड कले खोल दुर्नीति और भ्रष्टाचार पोल ओडिशा गस्तर केन्द्र राष्ट्रमंत्री अश्विनी कुमार चौबे आज पुरीर सगर तट स्वच्छ अभियान और आजादी की अमृत महोत्सव जोगदेवार रही कार्यक्रम श्रीमंदिर श्रीजी दर्शन पर विभाग अधिकारी करे आलोचना लॉकडाउन देखा रोजगार बाट महिला स्वावलंबी कर घर छतु चाष 150 महिला तालीम सहित जीविका निर्वाह में सहायक होती कंठशिल्पी कृष्णा मिश्र आज 75 पीएसए ऑक्सीजन प्लांट को देश उद्देश्य उत्सर्ग करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्वाह्न 11:00 उत्तराखंड ऋषिकेश स्थित एम्स अनुष्ठित एक कार्यक्रम में मोदी यह ऑक्सीजन प्लांट गुड़ी को लोकार्पण करेंगे अवसर में प्रधानमंत्री उपस्थित समावेश को संबोधित करार कार्यक्रम रही उत्तराखंड राज्यपाल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कार्यक्रम में उपस्थित रही जमापड़ पीएम केयर्स अधीन विभिन्न राज्य और केन्द्रशासित अंचल स्थापन कर पीएसए ऑक्सीजन प्लांट गुड़िक आज कार्यक्षम हो वर्तमान पर्यंत सारा देश में पीएम केयर्स अधीन मोट 1224 पीएसए ऑक्सीजन प्लांट को निर्माण कर 1100 अधिक प्लांट वर्तमान कार्यक्षम रही जो प्रतिदिन 1750 मेट्रिक टन ऑक्सीजन उत्पादन कोविड-19 आसवा पर भारत मेडिकल ऑक्सीजन उत्पादन क्षमता वृद्धि पर भारत सरकार नहीं सक्रिय पदक्षेप गुड़िक एक उदाहरण पलटि दशहर वर्षार भिजिब ओडिशा अक्टोबर 10 आड़ ओडिशा को आसुची आउ एक लघुचाप भारतीय पाणीपाग विभाग आकलन अनुजाई आसंता 8-9 तारीख मध्य उत्तर आंदामान सगर में एक लघुचाप क्षेत्र सृष्टि पर यह घनीभूत हो 4-5 दिन अर्थात 15 तारीख आड़ दक्षिण ओडिशा और उत्तर आंध्र उपकूल छुईब तेज यार प्रभाव ओडिशा उपर कि आगक जनापड़ भारतीय पाणीपाग विभाग निर्देशक मृत्युंजय महापात्र सूचना देते बात्या नहीं चारिड़े चर्चा होता बेले मॉनिटरिंग कर आज आम पूर्वानुमान अनुसार 10 तारीख में उत्तर आंदामान सगर में गोटे लो प्रेशर एरिया अर्थात लघुचाप क्षेत्र सृष्टि होवार संभावना रही यह धीरे धीरे पश्चिम उत्तर पश्चिम दिगरे गति करिबो एवं क्रमशः घनीभूत हो पारे
ଏବଂ 10 ତାରିଖ ପରେ 4-5 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ଉତ୍ତର ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳ ଆଡ଼କୁ ମୁହାଁଇବ। ଏହାର ବିଶେଷ ବିବରଣୀ ଜଣାପଡ଼ିବ ଯେତେବେଳେ ଏହା ଉତ୍ତର ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗରରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବ ଏବଂ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ସବୁଚାପକ୍ଷେତ୍ରଟି। ଏହାର ପ୍ରଭାବ କ'ଣ କିଭଳି ରହିବ ତାହା ନିର୍ଭର କରିବ ଯେ ଏହା କେତେ ତୀବ୍ରତା ଆକାରରେ ଓଡ଼ିଶା ବା ଆନ୍ଧ୍ର ଉପକୂଳ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସାଧାରଣ ପୂର୍ବାନୁମାନ ରହିଛି ସେଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ଏହା କ୍ରମଶଃ ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ଉତ୍ତର ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ଆଡ଼କୁ ମୁହାଁଇବ ଏବଂ 15 ତାରିଖ ପାଖାପାଖି ଏହା ଉପକୂଳ ନିକଟରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିପାରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଏବଂ ଏହା କ୍ରମଶଃ ଘନୀଭୂତ ହେବ ବୋଲି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛୁ। କେତେ ପରିମାଣରେ ଘନୀଭୂତ ହେବ, କେଉଁ ତୀବ୍ରତାରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବ ତାର ଅପଡେଟ୍ ଯେତେ ନିକଟତର ହେବ ତାହା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଆମେ ଏତିକି କହୁଛୁ ଯେ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ରଟି ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ଅଛି ଏବଂ ଏହା ଘନୀଭୂତ ହେବାର ଅଛି ଏବଂ ଉତ୍ତର ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳ ଆଡ଼କୁ ଯିବାର ଅଛି। ଚୀନ ନେଇ ଯାଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ପାଙ୍ଗୋଲିନ ବଜ୍ରକାପ୍ତା ଚୋରା ଚାଲାଣ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ରୁଟ୍ ଓଡ଼ିଶାରୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଆସାମ ମିଜୋରାମ ଦେଇ ମ୍ୟାମାର ଆଉ ସେଠାରୁ ଯାଉଛି ଚୀନ। ମେଡିସିନ ପାଇଁ ବିଦେଶକୁ ଯାଉଛି ଓଡ଼ିଶାରୁ ବଜ୍ରକାପ୍ତା। ଚୀନ ନେଇ ଯାଉଛି ଓଡ଼ିଶା ପାଙ୍ଗୋଲିନ ବଜ୍ରକାପ୍ତା ଚୋରା ଚାଲାଣର ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ରୁଟ୍ ଓଡ଼ିଶାରୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଆସାମ ମିଜୋରାମ ଦେଇ ମ୍ୟାମାର ସେଠାରୁ ଚୀନ। ମେଡିସିନ ପାଇଁ ବିଦେଶକୁ ଯାଉଛି ବଜ୍ରକାପ୍ତା। ମାର୍କେଟ ପ୍ରାଇସ୍ କିଲୋ ପିଛା 5 ଲକ୍ଷ। ପ୍ରଥମେ ସାମ୍ପଲ ମଗାଯାଇଥିଲା, ପରେ ଡିଲ୍ ପୂର୍ବରୁ ଧରାହେଲା 2 କେଜିରୁ ଅଧିକ ବଜ୍ରକାପ୍ତା କାତି। ନୟାଗଡ଼ ବୌଦ୍ଧ ଓ କେବିକେ ଅଞ୍ଚଳରୁ ହିଁ ବଜ୍ରକାପ୍ତା କାତି ଆଣି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଡିଲ୍ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ମାଡ଼ି ବସିଲା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଏସ୍ଟିଏଫ୍। 2 ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ନିକଟରୁ ଜବତ ହୋଇଛି ପ୍ରାୟ 2 କିଲୋରୁ ଅଧିକ କାତି। ଏହାର ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ମାର୍କେଟରେ 10 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ହେବ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷରୁ ବଜ୍ରକାପ୍ତା ଶିକାର କରି କାତି ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିବା ମାନିଛି ଅଭିଯୁକ୍ତ। ଏଇଟା ମୁଦି କରିବାକୁ ପିନ୍ଧିଲେ ପାଇଲ୍ସଟା କମ ବୋଲି ସେଇଟା ମୋର ଚିନ୍ତାଧାରା ଥିଲା, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାକୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କଲେକ୍ସନ କରି ରଖିଲି। ନା ସେଇଟା ମୁଁ ଜାଣିଥିଲେ ସାର୍ ମୁଁ ଏଇଟା ବିଲକୁଲ କରିନଥାନ୍ତି। ସେ ସାର୍ କହୁଥିଲେ ମୋତେ ଫୋନ୍ କଲା, ଭାଇ ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଅଛି ଏ ଜିନିଷ ଅଛି ଆଉ ତମେ ଜାଣିଛ। ମୁଁ କହିଲି ସେ ତ ସୁକାନ୍ତ ବାବୁ କଥା ହଉଥିଲେ, ତେଣୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କଲି। କଣ୍ଟାକ୍ଟ କଲା ସେ ମୋତେ ବ୍ୟାଗ୍ରେ ଦେଲେ, ମୁଁ ନେଇକି ଆସିକିରି ଓଡ଼ିଶାରୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଆସାମ ମିଜୋରାମ ଦେଇ ମ୍ୟାମାର ଓ ସେଠାରୁ ଚୀନ। ଏଭଳି ସିକ୍ରେଟ ରୁଟ୍ରେ ହେଉଛି ବିଲୁପ୍ତ ପ୍ରାୟ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁଙ୍କ ଶିକାର ଓ ସେମାନଙ୍କ କିଣାବିକାର କାରବାର। ହେଲେ ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ କିଙ୍ଗପିନ୍କୁ ଧରିବାରେ ଅସଫଳ ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥା। ପୂର୍ବରୁ ମେଘାଳୟରେ ଥିବା ବଜ୍ରକାପ୍ତା ରାକେଟ୍ରେ ମୁଖ୍ୟ ଦଲାଲ ଲାଲଟେନ୍ କୁଙ୍ଗାକୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ। ଏହାପରେ କେବଳ ଓଡ଼ିଶା ନୁହେଁ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ଛତିଶଗଡ଼, ରାଜସ୍ଥାନ ଭଳି ରାଜ୍ୟରୁ ମଧ୍ୟ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁଙ୍କ ଚୋରାଚାଲାଣ ହେଉଥିବା କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା। ଦଶପଲାରୁ ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ଶ୍ୟାନ ସୁଦ୍ଦିନ ଖାନ, ସୟଦ ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଓ ଆଲ୍ଲା ରୁଖ ଖାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି ଖୋଲତାଡ଼ କରିଥିଲା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ। ଏବେ ପୁଣି ଥରେ ରାଜ୍ୟରେ ବଜ୍ରକାପ୍ତା ଓ ବାଘଛାଲ ରାକେଟ୍ ଆକ୍ଟିଭ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ତେବେ ସଠିକ୍ ତଦନ୍ତ ଅଭାବରୁ ମୁଖ୍ୟ ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ। ସେପଟେ 2 ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ବନ ବିଭାଗକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର ପରେ ରିମାଣ୍ଡରେ ଆଣିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରୁଛି ବନ ବିଭାଗ। ଇନକ୍ୱାରି କରିବୁ କୋଉ ପୋଜିସନରେ ସେମାନେ ସେଟାକୁ କୋଉଠୁ ଆଣିଲେ ଏବଂ କୋଉଠି ସେମାନେ ସେଲ୍ଫ ପରପସରେ ନେଉଥିଲେ ଏବଂ ଆମର ଏଇଟା ଲୋକାଲି ସେ ପାଙ୍ଗୋଲିନ ମାରିଛନ୍ତି ବା ସେମାନେ ବାହାରୁ ଆଣିକି ଏହା ଭିତରେ ଆଉ କେଉଁ କେହି ମାନେ ମଧ୍ୟସ୍ଥି ବା ଇଣ୍ଟରମିଡ଼ିଏଟ୍ ବିଜନେସମ୍ୟାନ୍ କିଏ ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ଏହାର ଅଲଟିମେଟଲି ମାର୍କେଟ କେଉଁଠି ହେଇଥାନ୍ତା ଡିଟେଲ୍ସ ଆମେ ସବୁ ଏପରେ ଭେରିଫାଏ କରିବୁ। ଏହାରି ଭିତରେ ଆଜି ବାଲିଗୁଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳରୁ ଏକ କଲରାପତ୍ରିଆ ବାଘ ଛାଲ ଜବତ କରିବା ସହ ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଗିରଫ କରିଛି ଏସ୍ଟିଏଫ୍। ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷରେ 16 କଲରାପତ୍ରିଆ ବାଘ ଛାଲ, 4 ଜୀବନ୍ତ ବଜ୍ରକାପ୍ତା ଓ 15 କେଜି ବଜ୍ରକାପ୍ତା କାତି ଜବତ କରାଯାଇଛି। କେବେ ଏ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ସାମଗ୍ରୀ ଚାଲାଣର ମୁଖ୍ୟ ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡକୁ ଧରି ଚାଲାଣ ଉପରେ ରୋକ ଲାଗୁଛି ତା ଉପରେ ନଜର। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସୁମନ୍ତଙ୍କ ସହ ରୋଶନ ରଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। କେବେ ଖୋଲାଯିବ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର, କେବେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ରହସ୍ୟ ଉପରୁ ହଟିବ ପରଦା, ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ସ୍ଥିତି ନେଇ ସରକାର ଦେବେ କି ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ, ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଦଳ, ସଂଗଠନ, ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ କାଠଗଡ଼ାକୁ ଟାଣୁଥିବା ବେଳେ ଏବେ ପୁରୀ ସହରର କଲେଜ ପଢ଼ୁଆ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଏ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରିଛନ୍ତି। କେବେ ଖୋଲାଯିବ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର,
केबे रत्नभंडार रहस्य उपरु हटिबो परदा। रत्नभंडार स्थिति नै सरकार देबे कि स्पष्टीकरण? एबे रत्नभंडार स्थिति नै सूचना अधिकार आईन बळरे गोटिए परे गोटिए गुरुत्वपूर्ण तथ्य लोकलोचन को आसुचि, जहाँ नहीं राज्य सरकार मिछ धरा पड़े लगी रत्नभंडार स्थिति नहीं राज्य सरकार स्पष्टीकरण दाबी जोर धरी। विभिन्न राजनैतिक दल संगठन ठारु आरंभ कर व्यक्तिशेष मैंने राज्य सरकार को काठगड़ा उटाणुंट। एसबू मध्य पुरी सहर कलेज पढ़ुआ छात्र छात्री मैंने प्रक्रिय निजक सामिल कर देखा मिली। आंसर जेहेतु महाप्रभु आम आराध्य देवता तुम आंसर मागे यहाँ हक तुम हक को कहीं पचर पकेबा तुमको निहाती भाव आम हक को मागिक आनबार अच्छे आम मन डाउट ये चोरी हो कारण जदि चोरी न होता तो आम सरकार जाए जेहेतु पूरी भितर एत ना अच्छी आमको ये जमी देखे था कि कही था कि आ विषय न्यूज आसता किसी भी आसुनी। आम चाहूँ मीडिया रे लाइव टेलीकास्ट हो रत्नभंडार माने समस्त रत्न अलंकार आसिक समस्त लोकलोचन को आसू केते रत्न अच्छी तार गोटे लिखित आकार प्रशासन ये को जाना तुरंत राज्य सरकार एप्रति दृष्टि देले आम ओडिशावासी समग्र विश्ववासी सन्देह दूर हम। नियम अनुजाई प्रति तीन वर्ष रत्नभंडार जांच होगा कथा, तेबे दीर्घ 30 वर्ष हेब कौन पाई रत्नभंडार खोला जाए ना चाबी सतरे हजिची ना रत्न चोरी सत लुचाइवा को सरकार चाबी हजिबा प्रसंग उठाई जनसाधारण को भुआ बुलाउचंती। चाबी हजिबा घटनार तदंत पाई रघुवीर दास कमिशन को रिपोर्ट को मध्य सरकार चापी रखिचंती, जहाँ को सार्वजनीन नकैबा सरकार भूमिका उपरे संदेह सृष्टि करिछि। देखु मझीरे रत्नभंडार चाबी हजिबा को लेकिन सरकार गोटे रघुवीर दास कमिशन बसईले पक्षर 22 लक्ष टा खर्च होता किंतु आज जाए तार सठिक रिपोर्ट पुरीर जनसाधारण आ जगन्नाथ प्रेमी मानू सठिक रिपोर्ट मिले ना एपाई आम मनरे सन्देह सृष्टि हो जगन्नाथ रत्नभंडारे विभिन्न प्रकार बहुमूल्यवान जिनस चोरी जदि सठिक रिपोर्ट आगामी दिन में सरकार जगन्नाथ प्रेमी मानक नदेबे तो पुरीर सबू छात्र छात्री माने एकाठी होई विरोध करिवे आगामी दिन में पुरी बंद डाकरा मध्य दिजिवो। आम जानबो को इच्छा परिबोद कि रत्नभंडार जल्दी जांच करा जाउ एवं लोक मानको निहाती भाव में स्पष्टीकरण दौचु कि यदि जांच करा न जीव तो आगामी जो इलेक्शन आसूची कॉलेज रे सेटा को आम निहाती भाव में बर्जन करिबू ताको केबे भी एक्सेप्ट करिबू नाही। तुरंत रत्नभंडार खोला जाई सुना अलंकार जांच करा जाई रिपोर्ट सार्वजनिक करा जाउ नहले आगामी दिन में बड़ धरण छात्र आंदोलन मुंड टेकवा नहीं छात्र छात्री माने चेतावनी देचंती। पुरीरु वीडियो जर्नलिस्ट सनातन को सह आलोक आशुतोष का रिपोर्ट अर्गस न्यूज। आगु ग्रहचर गुरुत्वपूर्ण खबर किंतु सकाळ खबर सभा हो गोटे छोट विरति पूरी गस्तर केन्द्र खाद्य साधारण बंचन और खाउटी व्यापार सह जंगल जलवायु परिवर्तन मंत्री अश्विनी चौबे पूरी को ब्लू फ्लैग बेलाभूमि सागर तट स्वच्छ अभियान और आजादी की अमृत महोत्सव में जोगदे महाप्रभु जगन्नाथ को दर्शन करेंगे पर राज्य जंगल परिवेश अधिकारी आलोचना करेंगे। केन्द्र जंगल परिवेश विभाग पूर्वांचल कार्यालय अधिकारी आलोचना रही राज्य खाद्य जोगाण खाउटी कल्याण विभाग अधिकारी बैठक रही संपर्क में अधिक अपडेट आम सहित जोड़ी होती पूरी प्रतिनिधि आलोक आशुतोष। आलोक केन्द्रमंत्री अश्विनी चौबे केत श्रीमंदिर जी दर्शन करेंगे आज दिन तमाम कौन सब कार्यक्रम रही निश्चित शक्तिशाली पूरी गस्तर अच्छा केन्द्र जंगल मंत्री परिवेश मंत्री और जलवायु परिवर्तन मंत्री अश्विनी चौबे अच्छा सीधा साल दृश्य देखा चाहिए जेहेतु पूरी ब्लू फ्लैग बेलाभूमि आम अच्छू आप जानते पूरी स्वर्णाम बेलाभूमि को ब्लू फ्लैग मान्यता मिली से सागर तट अभियान और आजादी का अमृत महोत्सव पालन कराऊ बड़ कथा हूँ निजे केन्द्र जगन्नाथ निजे
ଆଜିକି ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଝାଉଁ ଚାରା ରୋପଣ କରିଥିଲେ। ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗରେ ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାଂସଦ ଅପରାଜିତା ଷଡଙ୍ଗୀ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ କହିପାରିବା କୋଉଟା କୋଉଠି ବେଶ ଉତ୍ସାହ ଖେଳି ଯାଇଛି। ଜାଣିଛନ୍ତି ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ଅଶ୍ୱିନୀ ଚୌବେ କ୍ଷମା କରିବେ ଅଶ୍ୱିନୀ ଚୌବେ ସିଧାସଳଖ ନିଜର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ରଖୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଶୁଣେଇବା। मैं सबसे पहले जो हमारे यहां मंच पर विराजमान है भुवनेश्वर के लोकप्रिय जनप्रिय नेत्री सांसद के रूप में जिन्होंने न केवल कम समय में लोकसभा के अंदर केवल भुवनेश्वर की समस्या ही नहीं देश और दुनिया के तमाम विषयों को प्रस्तुत करने वाली उड़ीसा के नाम को आगे बढ़ाने वाली ऐसी बिटिया अपराजिता श्रीमती अपराजिता जी जो आईएएस भी रही हैं काफी प्रतिभाशाली महिला रही हैं और मैं तो इनको बचपन से जानता हूं। मेरे रिश्ते पारिवारिक रिश्ते हैं बहुत पारिवारिक रिश्ते हैं। जब ये स्कूल में पढ़ती थी उस समय से मैं जानता हूँ। इनके पिताजी बहुत बड़े अंग्रेजी के छात्र छात्री शामिल विद्वान बहुत बड़े मुर्खंड विद्वान थे शामिल पूरी जिलापाल निजे हम सब लोगों के प्रेरणा के निश्चित भाव कही पार्टी बेस उत्साह केन्द्र मंत्री अश्विनी समस्त मन में बेस खुशी वातावरण बेलाभूमि पूरी सन्नाम बेलाभूमि किभली भाव में सरल सुंदर रखा किभली भाव में सफा सुंदर रखा जाए विशेष कर केन्द्रमंत्री फोकस देते निश्चित भाव में पतक उत्तोलन स्कूल पिला जो अच्छा छोट छोट स्कूल पिला स्वच्छ अभियान में सामिल होती सगर तत्व स्वच्छ अभियान निश्चित भाव कही छोट छोट पिला स्कूल पिला सीधा सड़क दृश्य आप देखते स्कूल पिला सामिल होती पूरी बेलाभूमि को किभली भाव में सरस सुंदर कर पूरी बेलाभूमि को स्वच्छ रखा जा पाने अकल परिश्रम कर निश्चित भाव कहीपरिया कौटना कौटी मंत्री गस्त निहत भाव में दलय कर्मी मन उत्साह बढ़ी कि पूरी सोनार बेलाभूमि जो भाव में ब्लू फ्लैग बीच मान्यता पाई निहती भाव में पूरी बेलाभूमि को किभर भाव में सुंदर रखा जाए से नहीं सबुरी महल में प्रस्तुत आरंभ कर भाव में सीधा सख दृश्य देखते जो सत्य पचारे मंत्री पाखापाखी दिन एगारटा समय गस्त रही पूरी श्रीमंदिर जो महाप्रभु को रक्त सीमा सर दर्शन करार कार्यक्रम रही है और यापर जो जंगल और परिवेश विभाग राज्यर जो अधिकारी मैंने अच्छा से सहित गोटे बैठक जहाँ सूचना आज पहुंची सत्य साई धन्यवाद आलोक आशुतोष। आलोक आशुतोष आम प्रतिनिधि जो भाई चित्र देखाऊ पुरी को जो ब्लू फ्लैग बेलाभूमि मान्यता मिली से नहीं कि अमर आजादी का अमृत महोत्सव पालन करेलाभूमि कार्यक्रम आयोजन कर केन्द्र जंगल परिवेश मंत्री अश्विनी चौबे उपस्थित रहीकि संबोधन करुछन्ति वर्तमान सभा को एवं आज जो भली भाव आलोक सूचना दौले कि एगारटा समय से जीवे श्रीमंदिर को एवं महाप्रभुंकर दर्शन करिवार कार्यक्रम रही तो आप देखुंट सीधा चित्र पूरी बेलाभूमि खबर आगक रही समय आउ एक छोट विरतिर विकलांग अवस्थार ई डिस्पैच पोर्टाल गुरुत्वपूर्ण चिठी अपलोड करूना अर्धाधिक विभाग कौन लुचाईवाई चाहती राज्य सरकार विरोधी आनी संगीन अभियोग चिठी अपलोड कले खोली कि दुर्नीति आ भ्रष्टाचार पोल विकलांग अवस्था ई डिस्पैच पोर्टाल गुरुत्वपूर्ण चिठी अपलोड करूना अर्धाधिक विभाग कौन लुचाईवाई चाहती राज्य सरकार सबु चिठी अपलोड कले खोली कि विभिन्न सरकारी विभाग में दुर्नीति और भ्रष्टाचार पोल कारण क्यों विभाग शेष थर पर मसे तले तो क्यों विभाग छमास तले पुणी तो आउ क्यों विभाग तीन वर्ष तले सरकारी चिठीटीए ई डिस्पैच अपलोड करते
आउ एमिति भी किछि विभाग अछन्ति जे माने गोटिए हेले चिट्ठी अपलोड करि नाहन्ति। थरे नजर पकांतु ई डिस्पैच पोर्टल रो एही स्क्रीनशॉट गुड़ी का उपरे। कृषि भली गुरुत्वपूर्ण विभाग ई डिस्पैच रे शेष थर पई 27 मई 2020 रे चिट्ठी अपलोड होइतला। गृह नगर उन्नयन विभाग 5 मास हेब चिट्ठी अपलोड करिनथिबा बळे एमएसएमई विभाग 17 डिसेंबर 2020 रे शेष चिट्ठी अपलोड करिथिला। सेहिपरि अबकारी विभाग 3 वर्ष तले अर्थात 28 डिसेंबर 2018 परठारु ई डिस्पैच रे गोटिए हेले चिट्ठी दे नाही। आउ श्रम, ओडिया भाषा साहित्य, ओडिशा राज्य सड़क परिवहन, क्रीड़ा और युव व्यापार, महिला और शिशु कल्याण आदि अनेक विभाग स्थित तो आहुरी संगीन, कारण यही विभाग गुड़िकर पेज खोलिले चिट्ठी तो पछ कथा कौनसी तथ्य भी नथिबा देखिबा को मिलुछि। ते विभिन्न विभाग रे हुथिबा दुर्नीति को लुचाइबा पई ई डिस्पैच रे चिट्ठी अपलोड हेउनी बोली अभिजोग करिछंति विरोधी। डिजिटल प्लेटफॉर्म रे काम हेले अनेक गुड़िए चोरा काम जणा पड़िबो, को फाइल को कोटी रखिले कौन हम कौटी भ्रष्टाचार हवाटा कमिजी ये सब कथा राज्य सरकार दरकार ना। राज्य सरकार दरकार अच्छी ये गवर्नांस न हो, ये लोक शोषण कराऊ, भ्रष्टाचार दिनक दिन बढ़ू, ये कथा राज्य सरकार पीएचडी करणु जाणीशुणी इ डिस्पैच को कौटिना कौटी बंद करवाई एक षड्यंत्र आरंभ कर एटा गोटे केवल धुआं बाण गोटे खाली गोटे लोकंकु धपेबा कथा। सरकारंक विभागीय चिट्ठी गुड़िकर डिजिटल एड्रेस हेउछि ई डिस्पैच। कोनोसी विभागर निष्पत्ति हेउ बा गोटिए विभागरु आ गोटिए विभागकु तथ्य आदान प्रदान सबु विभागर चिट्ठीकु ई डिस्पैच रे अपलोड करबाकु निष्पत्ति नैथिले राज्य सरकार। हेले ई डिस्पैच परिचालना पई तालीम प्राप्त कर्मचारीक अभाव एवं ठिकणा ढंगरे मॉनिटरिंग करा जाउ नथिबारु चिट्ठी गुड़िक अपलोड हेउनी बोली कहिसेंति वरिष्ठ सांबादिक। राज्य सरकार ए संगांदे बहुत पैसा खर्च करचोंति, 5G कर दैचोंति, हब बोली सब टेक्नोलॉजी ता भीतर भी अछि, किंतु एक्चुअली देखिबे अनेक विभाग रे प्रतिदिन जो दिन जहाँ हवा कथा होना अनेक विभाग देखे वर्षक तलर घटना आज पर्यटन बंद होनी ये अव्यवस्था देखा देखी आपको सजाड़ापी जहाँ दरकार गोटे कथा हो पाए बोध मैन पावर नहांती मैन पावर थे ट्रेन मैन पावर नहांती कहीं मॉनिटर करूना। 5G को गुरुत्व देउछन्ति सरकार, किंतु ई डिस्पैच रे चिट्ठी नेण देण रो ए तथ्य ही कहुछि एही ट्रांसपेरेंसी टेक्नोलॉजी टाइम को सते जमिति भूली जाइछन्ति सरकार। भुवनेश्वर रु कैमरा पर्सन प्रदीप्त मल्लिक का सह प्रदीप्त महापात्र का रिपोर्ट अर्गस न्यूज। लॉकडाउन समय रो उपयोग करी निज घरे आरंभ कले छतु चास, एथरु सफलता मिलबा परे आखपाख महिलांकु बताइले रोजगार करिवार बाट। आकाशवाणी संवाद पाठिका तथा कंठशिल्पी कृष्णा मिश्र एभली भावे संगीत समर्पण संस्था जरिया रे 150 महिला को छतु चाष तालीम सहित जीविका निर्वाह सहायक होती। स्वतंत्र भावे तैयारी होइछि छतु घर, घर भितर बाउंस रे तैयारी होइछि भाड़ी, भाड़ी गुड़ी करे छाड़ी छाड़ी बिछा जाइछि सज्जा, सज्जा ऊपर मुंड टेकी उठिछि धिंगिरी छतु। केतेक सज्जारे अधिक छतु होइथिबा बेले किछि सज्जारे अमल आसिबाकु डेरी अछि। निजर सुविधा अनुसारे आग पछ होइ बिहन बुणा जाइथिबारु एभली दृश्य देखिबाकु मिलिछि। लॉकडाउन समय रे महिला मानकु एभली संगठित करि सामूहिक ओ व्यक्तिगत छतु चाष आरंभ करिछन्ति विशिष्ट कंठशिल्पी कृष्णप्रिया मिश्र। कृष्णप्रिया कहंती आगरु ओयुटी रे छतु तालीम नैथिलि, लॉकडाउन समय रे उपयोग करि प्रथमे निज घरे आरंभ कलि, सफलता पाइबा परे एहाकु व्यापक कराइछि। महिला मानक पई छतु चाष सबुठु सहज ओ सुविधा रोजगार देथाय बोली से कहिथिले। घरे रही कि छतु चाष करि परुछि आ छतु निजे घर खाइबा सहित अन्य मानक भी मोठु नै परुछन्ति, त मु चेष्टा कलि मो अंचल रे थिबा जते मोर एसटीजी भौनी माने अछन्ति आ अलगा सब भौनी माने रहिछन्ति सेमान केमिति छतु छतु चाष विषय ज्ञान देबी आ सेमान केमिति घरे बसिकि छतु चाष करि परिबे, काहेकि ना छतु चाष होछि गोटे खास करि महिला मानक पई सहज सबुठु सहज सुविधा आ कम खर्च रे व्यवसाय बहुत सहज लगला। कृष्णप्रियांक नेतृत्व में गढ़ा जाइछि संगीत समर्पण संस्था, सेथिरे छोट छोट अनेक महिला दल जोड़ी होई आरंभ करिछन्ति
छतु चाष जरिया जीविका निजे कृष्णप्रिया नड़ा काटिबा पानी रे भिजाई रखिबा सज्जा प्रस्तुत कर बिहन और बेसन बुणा देखारेखा सहित अमल करिबा जाए प्रत्येक काम से दल सहित उपस्थित रुहति छतु चाष केन्द्र गुड़िक अनेकों पर तालीम केन्द्र भाव परिचालित होली चाषपी महिला संख्या बढ़िवे लगी उत्पादिका दलर जड़े सदस्य प्रभाती भंज कहते तीनोटी भाड़ी में छतु चाष कर मु दिनक तीन के जी अमल कर छतु चाषर मासिक 15,000 आय पाइबा द्वारा सहज हो जामर जीवन संघर्ष विजयलक्ष्मी महापात्र कहते कृष्णप्रिया अपा एभली चाष शिखा पर स्वाधीन भाव कि रोजगार करार समर्थ हो आज काटिलु ताको भेदे देमु तापर काली ताको छाणी के रखि देमु दीपरे ए 4टा बेलु पकेमु 3-4 घंटा हम 4टा बेलु पकेमु पके कि ताको मंजी घोडेमु जरी ये करकि आ डेली 7 दिन बाहर करमु ताको पानी छिचमु एबे वर्षा दिन बोले छि ना पानी छिचाबो तापर ताको छतु 11 दिन से बाहरबो 11 12 13 दिन 2 दिन बाहरबो छतु तापर बंद डेली छतु पडुचि आमे भी छतु लॉकडाउन टाइम रे हम छतु चास भी कृष्णा पांग ठारू किसी नहीं करूँ मार्केट जो छतुटा आणुचु से आम किले छतु आणलु तादेर किसी पा बाहर जानिमम 400-450 भाया पा बाहर जामें जो छतुटा करा बहुत माने पानी ये ना कि बहुत भल अच्छे हाँ अल्प कई घंटार तालीम और बहुत कम पुंजी में आरंभ कर छतु चाष महिला रोजगार किभली सशक्त माध्यम हो पारी ता प्रमाणित करिछंती कंठशिल्पी कृष्णप्रिया मिश्र भुवनेश्वर चिन्मयी साहू को रिपोर्ट अर्गस न्यूज समय बुलेटिन बर्तमान खबर को नमस्कार।